है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कांग्रेस के लिए रात अंधेरी भले ही लग रही हो, लेकिन दिया जलाने से किसने रोका है, रोशनी करने से किसने रोका है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भीड़ देखी क्या? नहीं देखी तो हजार बार देखना। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए दक्षिण भारत में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, यह दिखाता है कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस में कोई नेता है जिसके लिए जनता इस कदर चाहती है तो सचिन पायलट है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस इस प्रतिभा का जाया क्यों कर रही है। हर नेता की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। सचिन पायलट का यह वक्त है और उम्र भी है। समय रहते कांग्रेस को अपने भविष्य की तरफ देखना चाहिए। यह मौका नहीं है, दस्तूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार पड़े और मंत्री और उनके पुत्र समेत मंदिर गए, एक जबरदस्ती का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, मगर जनता घर से नहीं निकली, यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू धीरे धीरे ढल रहा है। वक्त है नई पीढ़ी को कमान दी जाए। अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा नहीं होगा, सचिन पायलट पहले कह चुके हैं कि अब इस मामले में उन्हें कुछ नहीं कहना है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार पड़े हैं, उसके बाद विधानसभा का सत्र है, फिर दो विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार टलना तय माना जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट के साथ रहने वाले विधायकों को अब बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। वह तो अब पायलट की वापसी चाहते हैं, अपनी वापसी नहीं चाहते हैं, मगर अशोक गहलोत के साथ रहे विधायक जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केहुनी से गुड़ चटाई थी, वह अब भी याद कर रहे हैं कि क्या होगा, सचिन पायलट कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, हम कब मंत्री बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं भी बनेंगे तो कुछ विधायक कह रहे हैं कि इतनी कमाई हो रही है कि मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रेट खुले हैं ट्रांसफर में, जिस तरह से रेट खुले हैं ठेकों में, विधायक कह रहे हैं मंत्री नहीं बने तब भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी जनता को महसूस हो रही है, क्योंकि विधायक और मंत्री अपने काम करने में लगे हैं, जनता उसके बदले शुल्क का भुगतान कर रही है नेताओं को, क्योंकि नेताओं का पेट भर नहीं रहा है। इसी माहौल में चुनाव हो रहा है। 6 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव आज पूरे हो गए, तीनों चरण के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जो नजारा दिख रहा है लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जनता को यह बात चुभती क्यों नहीं कि जिस नेता को हम वोट देकर आए हैं वह नेता बिकाऊ है, और बिकाऊ होने के डर से पार्टियां उन्हें बाड़े में बंद करके रखती है। चुनाव सुबह शुरू हुए और दोपहर तक सारे प्रत्याशी उठा लिए जाते हैं, चाहे वह निर्दलीय हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई मध्य प्रदेश में बाड़ेबंदी कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में बाड़ेबंदी कर रहा है, कोई जयपुर शहर में बाड़ेबंदी कर रहा है। सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए पुलिस और अधिकारी लगे हुए हैं। यह कैसा लोकतंत्र है? यह बात हमें कचोटती क्यों नहीं? यह बात हम जो चुनाव लड़ने गए हैं जनता के बीच, उन्हें कहते क्यों नहीं है? इस बात का विरोध क्यों नहीं होता है? क्यों आखिर जनता का जमीर मर चुका है जो ऐसे मरे हुए नेताओं को वोट दे रहे हैं? जिस तरह का दृश्य नजर आता है कि बाड़ेबंदी में होटल में नाचते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, इसलिए कि उन्हें पैसा मिला है, इसलिए कोई की ज्यादा बोली लाकर खरीद न ले, यह लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार के 6 मंत्रियों और 19 विधायकों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, लिहाजा हर तरफ पैसे का बोलबाला है। मंत्री समझा रहे हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों को किसको कहां कहां से पैसे देना है, पैसा पहले देना पड़ेगा तभी बाड़ेबंदी में आएंगे। आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हो गए हैं।
सत्ता में बैठी पार्टी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, क्योंकि उन्हें संदेश देना है कि सब कुछ हमारे काबू में है। दूसरी तरफ बीजेपी में इतना झगड़ा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के नेता ही घूम रहे हैं। अब सतीश पूनिया इस उम्मीद में जी रहे हैं कि पिछली बार हम ज्यादा वोट बनाए थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मगर जिस तरह से वसुंधरा गुट ताल ठोक रहा है, सतीश पूनिया के लिए राह आसान नहीं है। अब तो जयपुर में दफ्तर भी खोल लिए गए हैं और दफ्तर में उत्सव का माहौल है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की जा रही है और बीजेपी के नेताओं को सांप सूंघा हुआ है। जिस तरह से रणधीर सिंह भिंडर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बीजेपी में रहते वह बीजेपी में नहीं आएंगे, यह दूर दूर तक संदेश जाता है कि वसुंधरा राजे किसके साथ खड़ी हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को हिम्मत नहीं है कि वह इस बारे में कुछ कह सकें, बोल सकें। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को नहीं पालनी चाहिए, मगर कांग्रेस को भी यह समझना चाहिए कि इन चुनावों से कोई साख नहीं बन रही है। सब जानते हैं छोटे चुनाव हैं और पैसों के बल पर, अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर, बाड़ेबंदी के बल पर वो जीत सकते हैं, मगर इसकी धमक 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाएगी, इसकी उम्मीद ना पालें। बेहतर है कि सचिन पायलट का उपयोग करें, क्योंकि पूर्वी राजस्थान ने इस बार इन्हें सत्ता में बैठाया है और पूर्वी राजस्थान में जिस तरह का गुस्सा है, कांग्रेस को सत्ता से यह इलाका उतार भी सकता है। बड़ी पार्टियों के अलावा इस जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में सबकी नजरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भी लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से दिन और रात हनुमान बेनीवाल ने मेहनत की है, निश्चित रूप से उनमें एक भूख है, एक आग है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीसरी शक्ति के रूप में खड़ा करने की। जिस तरह से वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जूझे हैं, गली गली घूमे हैं, निश्चित रूप से एक उम्मीद जगाती है राजस्थान में तीसरी ताकत के लिए। इसलिए सबकी नजरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पर भी टिकी हुई है। इस बार परिणाम अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से 2023 में हनुमान बेनीवाल एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से अगुताए हुए लोग किसी विकल्प की तलाश में हैं राजस्थान में भी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।